सो हेलो गाइस, ओके। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आते हैं कि जो फाइल है उनके बहुत सारा उनका जो फाइल की साइज़ है बहुत हेवी होती है, ओके। तो उन्हें मेल करना में बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है, ओके। तो ऐसे इसका एक सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ, ओके। तो हमारे जो PDF के साइज़ है हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से रिड्यूस कर सकें, वो हम देखने वाले हैं, ओके। तो वन क्लिक के अंदर आपका जो है MB का साइज़ वो KB में करके बताने वाला हूँ PDF का साइज़, ओके। तो यही हम देखने वाले कि PDF का साइज़ किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं MB का साइज़ KB में, ओके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप PDF का फाइल किस तरह से जो है रिड्यूस कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फाइल है, ओके। तो एक PDF आप देख सकते हो, मेरी एक जो PDF है, ओके। सबसे पहले इसका जो साइज हम चेक कर लेते हैं तो हमको समझ में आएंगे कि कितनी रीड्स होती है, ओके। तो इसमें राइट क्लिक करता हूँ, ओके, और उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर चेक करता हूँ। ये जो है 5.48 MB की है, ओके। तो ये MB में फाइल है, ओके। तो इसे हम रिड्यूस करते हैं और कुछ KB में इसकी जो फाइल साइज लेकर आते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है एक वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम है shrinkpdf.com, ओके। तो ये इसका जो है नेम है, ओके, इस पे आपको जाना है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, PDF पे सेट कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको अपलोड कर देना है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जो ये फाइल है आप देख सकते हो, फाइल का नाम है PowerWell 260W, ओके। तो इसे मैं सेट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं जो इसे रिड्यूस करने के लिए डाल देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है रिड्यूस हो रही है, ओके। तो 96% इसने जो है इसका फाइल साइज रिड्यूस किया है। चलो इसे मैं जो डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड हो चुकी है, ओके। तो यहाँ से इसे मैं कट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और मेरी जो PDF पे पहली रखी हुई यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो वही फाइल है, फाइल का नाम फिर इसके अंदर जो मीन नाव जो है ऐड होगा इस वेबसाइट पे, जो आप भी डाउनलोड करेंगे तो ये नाव जो है ऐड हो जाएगा। चलो इसकी जो साइज है चेक करते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो इसके साइज प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर 204 KB हो चुकी है, ओके। वही फाइल है, आप देख सकते हो क्वालिटी भी वही है, ओके। और जो पहले हमारी साइट थी उसका जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर आप देखोगे तो 5 MB 448 MB है, ओके। 5.48 MB। और अभी जो देखा आपने जो हमने डाउनलोड की है, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो जो है KB के अंदर हो चुकी है, 204 KB। देखिए तो इस तरह से आप जो है आसानी से आपका जो फाइल का जो साइज है रिड्यूस कर सकते हैं इन हाउ कंडीशन, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।